नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो स्टाफ नर्स एग्ज़ाम क्विक रिवीजन पॉइंट्स पार्ट 4 है। यह वीडियो स्पेशली एम्स पटना, पीजीआई और जिपमेर के आने वाले नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, इससे पहले के तीन पार्ट्स भी आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। लेट्स बिगिन। टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला, अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है और उसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है F-32 × 5/9। यदि मान लीजिए सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर वैल्यू दी है, उसे आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला है C × 9/5 + 32। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हेयर्स स्पेशली इन फीमेल्स जस्ट लाइक मैन इज कॉल्ड हिर्सुटिज्म। महिलाओं में आदमियों की तरह एबनॉर्मल हेयर्स की ग्रोथ होना, बालों की वृद्धि होना हिर्सुटिज्म कंडीशन कहलाती है। कशिंग ट्रायड में तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सिस्टोलिक बीपी, ब्रेडिकार्डिया, वाइट पल्स प्रेशर। C/O फुल फॉर्म है कंप्लेंस ऑफ एमनियोटॉमी। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एमनियोटॉमी। एमनियोटॉमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन को आर्टिफिशियली रप्चर किया जाता है। प्लेटलेट्स आर कलरलेस, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एंड डोंट हैव न्यूक्लियस। प्लेटलेट्स कलरलेस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं और उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। किरेटोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन ऑफ कॉर्निया। यदि किसी की आँख के कॉर्निया पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो इस कंडीशन को किरेटोमाइकोसिस कहते हैं। तारदेव डिस्काइनेशिया इज अ इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। साइकोटिक मेडिसिन लेने पर यदि कोई इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट होता है तो उसे हम तारदेव डिस्काइनेशिया के नाम से जानते हैं। CPD फुल फॉर्म है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948। हेल्थ की परिभाषा WHO के अनुसार, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely an absence of disease or infirmity. Spinal anesthesia ka complication hai hypotension. A patient is on greatest risk of dying during first 24 to 48 hours after myocardial infarction. Yadi kisi vyakti mein MI attack aata hai, myocardial infarction attack aata hai, to attack aane ke pehle 24 se 48 ghante व्यक्ति की मृत्यु होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लिथियम इज़ यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस इन मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के मरीजों में लिथियम को प्रोफाइलैक्सिस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट में नॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन, साइनो एट्रियल नोड या ऐसे नोड के द्वारा इम्पल्स का जनरेशन या इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जनरेशन होता है जो वहाँ से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या AV नोड तक आता है। वहाँ से इसे बंडल ऑफ हिस तक ट्रांसमिट किया जाता है, देन इट रीचेज इन बंडल ऑफ ब्रांचेज, देन इन द लास्ट एट पुर्किंजे फाइबर्स। CPK का फुल फॉर्म है क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। डिस्टेंशन ऑफ जुगुलर वेन सीन इन राइट हार्ट फेलियर। यदि किसी व्यक्ति में राइट हार्ट फेलियर है तो उसके गले की जो वेन होती है, जुगलर वेन जो होती है, वो डिस्टेंट या फैल जाएंगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड नोन एज हाइपोक्सीमिया। ब्लड में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इसे हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं। यदि बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो तो इसे हाइपोक्सिया कहते हैं। स्पर्म कैन रिमेन वाइबल फॉर अप टू 24 to 72 hours इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एक हेल्दी स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुँचने के बाद
24 से 72 घंटे तक जीवित रह सकता है। इन 1895 विलियम एंथोवेन क्रेडिटेड फॉर इन्वेंशन ऑफ ईकेजी। 1895 में विलियम एंथोवेन ने ईकेजी का इन्वेंशन किया था। नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स। नर्सिंग प्रोसेस में कुल 5 स्टेप्स होते हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। CPR की फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। मंगोलियन स्पॉट और ब्लू स्पॉट, ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन बर्थ मार्क यूजुअली लोकेटेड इन द सैक्रल रीजन एंड बटक्स। इट प्रेजेंट एट बर्थ एंड डिसअपियर्स आफ्टर 1 or 2 ईयर्स ऑफ एज। मंगोलियन स्पॉट, जिसे हम ब्लू स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, कई नवजात शिशुओं में सैक्रल और बटक्स वाले हिस्से में ब्लैक पिगमेंटेशन, नीले धब्बे के रूप में बर्थ मार्क के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जन्म के 1 या 2 साल की उम्र में गायब हो जाते हैं। CRF क्रोनिक रीनल फेलियर। ECG स्ट्रिप में जो पी वेव होती है वो हर्ट के एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करती है। एट्रियल डिपोलराइजेशन का मतलब है एट्रियाज का कॉन्ट्रैक्ट होना। ECG का QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिक्यूलर डिपोलराइजेशन को डिनोट करता है, जिसका मतलब होता है वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन। टी वेव ECG में वेंट्रिक्यूलर रिपोलराइजेशन को डिनोट करती है। वेंट्रिक्यूलर रिपोलराइजेशन का मतलब है वेंट्रिकल्स का रिलैक्स होना एंड उनमें पेसिव फीलिंग होना। फिफ्थ वाइटल साइन है लेवल ऑफ पेन। CNS का फुल फॉर्म है कल्चर एंड सेंसिटिविटी। सोडियम लेवल शुड बी मेंटेन्ड इन पेशेंट हु इज ऑन लिथियम थेरेपी। यदि कोई व्यक्ति लिथियम थेरेपी ले रहा है तो उसका सोडियम लेवल हमें रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए, चेक करना चाहिए। CSF का फुल फॉर्म है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इन रिकवरी रूम वाइटल शुड बी चेक्ड इन एवरी 15 मिनट्स। रिकवरी रूम में प्रत्येक 15 मिनट बाद पेशेंट के वाइटल्स चेक करने चाहिए। ECG ड्यूरेशन। पी वेव लेस देन 0.12 सेकेंड। PR इंटरवेल लेस देन 0.20 सेकेंड। QRS इंटरवेल 0.08 टू 0.10 सेकेंड्स। QT इंटरवेल 0.36 टू 0.40 सेकेंड्स। यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग, क्लचिंग द हैंड्स टू थ्रॉट। यदि किसी व्यक्ति में चॉकिंग हुई है, उसके गले में कुछ फंस गया है, तो उसका जो यूनिवर्सल साइन है, पेशेंट को आप कैसे देखकर पहचान लेंगे कि इसे चॉकिंग हुई है, वह अपने दोनों हाथों को गले पर थ्रॉट पर लगाकर पकड़ेगा टाइट। तो इसे हम क्लचिंग द हैंड्स टू थ्रॉट बोलते हैं और ये यूनिवर्सल साइन होता है चॉकिंग का। पेरिटोनाइटिस इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। यदि किसी व्यक्ति में अपेंडिक्स परफोरेट हो गया है, फट गया है, तो उसे पेरिटोनाइटिस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाना। टफ्ट ऑफ हेयर्स सीन इन स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा। इट इज़ अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा, जो कि एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इसमें टफ्ट्स ऑफ हेयर कंडीशन दिखती है। सिटी स्कैन, वर्ड में सिटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल है, इसमें कुल 5 डायमेंशंस इंक्लूड करते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल। हेल्थ का फिजिकल डायमेंशन डिपेंड करता है व्यक्ति की बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं। मेंटल डायमेंशन, कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द नीड। व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार
किसी विषय पर किसी समय सही रेस्पोंड कर पा रहा है या नहीं। इमोशनल डायमेंशन रिलेटेड टू फीलिंग्स ऑफ द पर्सन। स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इंटीग्रिटी एथिक्स और प्रिंसिपल से संबंधित है। सोशल डायमेंशन रिलेटेड विद द गुड सोशल रिलेशंस। हार्ट रेट इन डिफरेंट कंडीशंस। साइनस टैकीकार्डिया की स्थिति में हार्ट रेट लगभग 100 से 150 के बीच होती है। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन में हार्ट रेट लगभग 150 से 250 के बीच होती है। एट्रियल फ्लूटर की स्थिति में हार्ट रेट 250 से 350 के बीच होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट सबसे ज़्यादा 350 से ऊपर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अवॉइडेड बाय दीज पेशेंट्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव निम्न पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को, ओबेस पर्सन्स को, पर्सन्स सफरिंग विथ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ऐसे पर्सन्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ सेरिब्रल और कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स की रही हो, हाई एजेस, स्मोकर्स, हिस्ट्री ऑफ पल्मोनरी डिजीजेज। CVA का फुल फॉर्म है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स। CVD का फुल फॉर्म है सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पॉस्चर। लिम्फ नोड्स एंड थाइमस इम्पॉर्टेंट टू इम्यून सिस्टम। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डिजीज विटामिन की कमी से होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे शरीर का स्किन। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का फ़ायदा अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए उनके साथ इसे उनके WhatsApp नंबर्स और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।